Hello my dear students, so today we are going to start chapter number 1 of class 11, that is physical world. So pehla wala jo chapter hai aap logo ka, chapter number 1, wo kya hai? Physical world. Okay, physics ka pehla chapter jo hai wo kya hai? Physical world. और सबसे इंटरेस्टिंग बात क्या है, ये फिजिकल वर्ल्ड से आप लोगों को कोई क्वेश्चंस नहीं आता है एग्ज़ाम में, नाइदर इन बोर्ड एग्जाम्स, नाइदर इन एनी एंट्रेंस एग्जामिनेशन, नहीं JEE, कहीं पे भी कोई भी एग्जाम में क्वेश्चंस नहीं आता है. कौन सा चैप्टर से? दैट इज़ फ्रॉम फिजिकल वर्ल्ड. ये चैप्टर क्या करते हैं, जस्ट एन इंट्रोडक्शन, ये इंट्रोडक्शन देता है फिजिक्स क्या है, फिजिक्स से रिलेटेड हम लोग को जो 2 साल है क्लास 11 एंड 12 में क्या क्या पढ़ना है, स्कोप क्या है फिजिक्स का, फिजिक्स से हम लोग टेक्नोलॉजी से कैसे रिलेटेड है, लॉ फिजिक्स इन थोड़ा सा डिटेल्स में देते हैं. ओके, फिजिक्स क्या है, जस्ट एक बेसिक आइडिया जानने के लिए ये चैप्टर दिया गया है. इसमें से कोई क्वेश्चंस नहीं आएगा. सो इफ़ यू गो थ्रू द एनसीईआरटी बुक, यू विल फाइंड दैट द फर्स्ट थिंग दैट इज गिवन इन योर बुक इज द डेफिनेशन ऑफ साइंस. साइंस क्या है? साइंस, ये जो वर्ड है साइंस, ये वर्ड से ही शुरू किया गया है इन योर बुक. यू विल फाइंड दैट साइंस इज अ साइंस वर्ड है, इट हैज कम फ्रॉम ए लैटिन वर्ड. वो लैटिन वर्ड क्या है? साइंटिया. ये साइंटिया वर्ड से साइंस वाला वर्ड जो है निकला है, और इस साइंटिया का मीनिंग होता है टू नो, मतलब जानना. कोई भी चीज जानने को हम लोग क्या बोलते हैं? साइंस बोलते हैं. ओके, तो साइंटिया इज ए लैटिन वर्ड जिसका मीनिंग क्या है? टू नो समथिंग. ओके, इन इंडिया दिस साइंस वाज फर्स्ट ऑफ ऑल इन संस्कृत वी डिस्क्राइब साइंस. संस्कृत में साइंस को क्या बोला गया है? विज्ञान. विज्ञान. तो ये बुक में दिया गया है जस्ट, यानी क्योंकि एक जस्ट आइडिया मिलने के लिए, इंडिया में, भारतवर्ष में ये जो साइंस है, इस साइंस को हम लोग क्या बोलते थे? विज्ञान. ओके, और इन अरबिक में इसको बोलते इल्म. ये साइंस का मेन नाम था. देखो, इंडिया वाज हैविंग ए गुड सिविलाइजेशन, एंशियंट सिविलाइजेशन था इंडिया में. उस समय भी पढ़ाई होता था, उस समय भी साइंस का पढ़ाई होता था. तो साइंस को उस समय कैसे क्या बोला जाता था? विज्ञान. सिमिलरली अरबियन कंट्रीज, अरब का मतलब जो अभी अरब है, वहाँ पे भी बहुत सारा स्टडीज किया जाता था, और वहाँ पे साइंस को क्या बोलते थे? इल्म. ओके, एंड दिस केम फ्रॉम द लैटिन वर्ड दैट इज साइंस. तो वहाँ पे पढ़ाया जाता था. ओके, दिस आर ऑल जस्ट एन इंट्रोडक्शन. नेक्स्ट कम्स द वर्ड फिजिक्स, क्योंकि ये हम लोग किससे डील करेंगे? फिजिक्स से. ओके, वी आर गोइंग टू डील विथ फिजिक्स इन दिस, आई एम गोइंग टू डील विथ फिजिक्स. सो ये फिजिक्स का जो चैप्टर नंबर 1 में दिया गया है, ये कहाँ से लिया गया है? ये ग्रीक वर्ड है. ये दिस इज ए ग्रीक वर्ड. ओके, और इस ग्रीक वर्ड का मीनिंग क्या है? नेचर. ग्रीक वर्ड फिजिक्स क्या है? एक ग्रीक वर्ड है जिसका मीनिंग क्या होता है? नेचर. एंड इन संस्कृत इट इज नोन एज भौतिकी. ओके, इसको भौतिकी बोला जाता है. सो ये सब क्या है? जैसे इंट्रोडक्शन था, कहाँ से ये वर्ड आया, साइंस, ये सब. ओके, ये थोड़ा सा बहुत जानने से भी कोई प्रॉब्लम नहीं है. नाउ मेन थिंग स्टडी होता है अभी फिजिक्स के बारे में, हम लोग देखते हैं फिजिक्स क्या है. तो ये फिजिक्स का जो वर्ड है कहाँ से आया? इट केम फ्रॉम द ग्रीक लेटर जिसका मीनिंग होता है नेचर. ओके, तो व्हाट इज फिजिक्स? कोई अगर पूछ लेगा आप लोग क्या सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं, ओके, हम लोग क्या साइंस स्ट्रीम में है, फिजिक्स पढ़ते हैं, केमिस्ट्री पढ़ते हैं, बायोलॉजी, मैथ्स पढ़ते हैं. अगर कोई पूछ लिया आप लोग को व्हाट इज फिजिक्स, फिजिक्स क्या है, सो व्हाट यू विल से? ओके, अभी तो पता चल गया फिजिक्स का मीनिंग क्या है, नेचर है. एंड द स्टडी ऑफ बेसिक लॉज ऑफ नेचर. तो हम लोग डिफाइन कैसे करते हैं फिजिक्स को? द स्टडी ऑफ बेसिक लॉज ऑफ नेचर एंड देयर मैनिफेस्टेशन
manifestation and their manifestation. Their दो बार लिख दिया मैंने, ओके, एंड their manifestation in different natural phenomena. Natural phenomena. तो इसका मीनिंग क्या है? फिजिक्स जो है बेसिक लॉज ऑफ नेचर है. बेसिक लॉज क्या है? नेचर में हम लोग जो चीज़ देखते हैं, बेसिक्स लॉज, वो जो लॉज है उसी स्टडी को हम लोग बोलते हैं फिजिक्स. जैसे फॉर एग्जांपल, एक गाड़ी रास्ते में देखा क्या कर रहा है, मूव कर रहा है, राइट? गाड़ी क्या कर रहा है, रास्ते में मूव कर रहा है, तो गाड़ी का क्या होगा स्पीड, उसके बारे में पढ़ेंगे. तो वो क्या है, फिजिक्स, बेसिक लॉज. जैसे आर्ट क्या हो रहा है, मूव कर रहा है अपने एक्सिस में, जिससे दिन हो रहा है, रात हो रहा है, राइट? तो जो घूम रहा है उसके ऊपर जब स्टडी होगा कि ऐसे घूम रहा है, क्यों घूम रहा है, कितना स्पीड से घूम रहा है, कितना एक्सेलरेशन से घूम रहा है, वो क्या है, बेसिक लॉज है. ये लॉज ऑफ नेचर है, नेचर में हो रहा है. मून है, घूम रहा है, क्या है ये, फिजिक्स है. मेरे पास क्या है, पेन है, मैं लिख रहा हूँ, यहाँ पे लिख रहा हूँ, तो क्यों लिख रहा हूँ, ये क्यों आ रहा है प्रिंट, क्यों, बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन. मैं इसको क्यों पकड़ पा रहा हूँ, बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन. फ्रिक्शन नहीं होता तो ये हाथ में नहीं होता, वो गिर जाता. सो दीज आर ऑल बेसिक लॉज ऑफ नेचर एंड देयर मैनिफेस्टेशन इन डिफरेंट नेचुरल फेनोमेनन. नेचर में बहुत सारा फेनोमेनन्स होता है, उसमें ये फिजिक्स कैसे अप्लाई होता है, उसी का स्टडी क्या होता है, फिजिक्स है. ओके, सो दिस कम्स अंडर योर फिजिक्स. सो फिजिक्स को पढ़ने के लिए हम लोग क्या करते हैं, जो हम लोग मेन दो तरीका लेते हैं फिजिक्स स्टडी करने के लिए. ओके, वी यूज टू मेथड्स टू स्टडी फिजिक्स, या मेथड्स आर टू वेज टू स्टडी फिजिक्स. दो तरीका है फिजिक्स स्टडी करने के लिए. पहला वाला जो होगा उसको हम लोग बोलते हैं यूनिफिकेशन इन फिजिक्स. यूनिफिकेशन इन फिजिक्स. एंड नंबर टू इज इन रिडक्शन इन फिजिक्स. रिडक्शन इन फिजिक्स. सो ये दो तरीका है फिजिक्स स्टडी करने का. वन इन क्या है आप लोगों का, द वन इज, फर्स्ट वन इज योर यूनिफिकेशन ऑफ फिजिक्स. यूनिफिकेशन ऑफ फिजिक्स का मीनिंग क्या है, सपोज फॉर एग्जांपल हम लोग बड़ा ऐसा बड़ा जो चीज़ हो रहा है नेचर में, और छोटे से जो छोटा चीज़ हो रहा है नेचर में, तो उसको हम लोग क्या सोचते हैं कि एक ही लॉ से ट्राई करते हैं उसको डिफाइन करने के लिए या एक्सप्लेन करने के लिए. फॉर एग्जाम्पल सी द मून इज रोटेटिंग अराउंड द अर्थ. मून जो है अर्थ के अराउंड में मूव कर रहा है, राइट? सबको पता है द अर्थ इज मूविंग अराउंड द सन, राइट? वो भी पता है सबको, मूव करता है. ओके, ये बराबर चीज हो गया. छोटा सा चीज लेते हैं, वन एप्पल फॉलिंग ऑन द ग्राउंड. एक एप्पल है ग्राउंड में फॉल कर रहा है, ओके, एक चीज है. तो दूसरा एक क्या है, बहुत बड़ा चीज है, एक क्या है छोटा सा चीज है. और एक छोटा सा चीज बोलते हैं जैसे पेंडुलम. पेंडुलम क्या कर रहा है, ऑसिलेट कर रहा है. ये जो सारा चीजेज है, ये सब चीज है, इसको हम लोग एक्सप्लेन कर सकते हैं बाय व्हाट, बाय ग्रेविटेशनल फोर्स. ओके, ऑफ लॉ ऑफ ग्रेविटेशन. फॉर एग्जांपल मैं पहला वाला का लिख ला यूनिफिकेशन इन फिजिक्स. सपोज दैट इज मोशन ऑफ मून अराउंड द अर्थ. ये बहुत बड़ा चीज हो गया, नंबर वन. नेक्स्ट नंबर टू, मोशन ऑफ अर्थ या रोटेशन ऑफ अर्थ. इसमें मोशन है या रोटेशन भी लिख सकते हैं, रोटेट कर रहा है. रोटेशन एंड रिवॉल्यूशन ऑफ अर्थ अराउंड द सन. नेक्स्ट नंबर थ्री, फॉलिंग ऑफ एन एप्पल ऑन द ग्राउंड. नंबर फोर, स्विंग ऑफ ए पेंडुलम. ये क्या है, अलग अलग चीजें है. यू कैन सी दीज आर ऑल डिफरेंट टाइप्स ऑफ थिंग्स. ये बहुत बड़ा चीज है, मून अर्थ सन, ये सब क्या है, बड़ा बड़ा चीज है. सो सिंपल सा क्या ले लिया, एक एप्पल ले लिया, ग्राउंड में फॉल रहा है.
ये सभी चीज एक ही लॉ से हम लोग एक्सप्लेन कर सकते हैं, दैट इज लॉ इज लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, दैट इज द लॉ ऑफ ग्रेविटेशन से हम लोग इसको क्या कर सकते हैं, एक्सप्लेन कर सकते हैं. दिस कैन बी एक्सप्लेन, ऑल दिस कैन बी एक्सप्लेन्ड बाय लॉज ऑफ ग्रेविटेशन. तो समझ में आ गया बच्चों? तो क्या है, इतना सारा चीज़ है, हम लोग हमेशा क्या करते हैं, बड़ा से बड़ा चीज़ हो रहा है नेचर में, छोटे से छोटा चीज़ हो रहा है, सबको एक ही लॉ में डाल सकते हैं क्या? बेसिक लॉज क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए. इसी वे ऑफ स्टडी को हम लोग बोलते हैं यूनिफिकेशन इन फिजिक्स. तो ये एक एग्जाम्पल है, जस्ट एन एग्जाम्पल, ये यूनिफिकेशन है. नेक्स्ट क्या आता है नंबर टू, इस रिडक्शन इन फिजिक्स. रिडक्शन इन फिजिक्स का मीनिंग क्या है? सपोज हम लोग के पास एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, कोई भी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम को हम लोग को सॉल्व करना है. तो सॉल्विंग दैट प्रॉब्लम, ओके, आई विल गिव यू एन एग्जांपल. सपोज मेरे पास क्या है, एक बंदूक है, आई हैव ए गन. व्हाट आई डू, आई जस्ट फायर ए बुलेट. ओके, दैट बुलेट इज मूविंग एंड इट एंटर्स ए ब्लॉक. वुडन ब्लॉक के अंदर क्या होता है, वो क्या आ गया, बुलेट घुस गया. आफ्टर दैट द ब्लॉक हिट्स ए पेंडुलम. ओके, ब्लॉक को लगा, ब्लॉक क्या था, वुडन ब्लॉक, उसको रस्सी से खींच के रखा था, रस्सी से. तो ये जो वुडन ब्लॉक होगा, जो बंदूक का गोली आया उसके अंदर चला गया, फिर वो क्या गया, वो ऊपर चला गया. ठीक है, वो स्विंग करेगा ना, क्योंकि बंदूक का गोली इसमें एंटर करेगा तो वो स्विंग करेगा, क्योंकि रस्सी से बांधा हुआ है तो चला नहीं जाएगा ऐसा. तो ये स्विंग करेगा, ऐसे स्विंग किया. नाउ द क्वेश्चन यू इज आस्क्ड इन, सपोज आई एम फायरिंग विद द हेल्प ऑफ ए गन. द बुलेट एंसर, जैसे बुलेट आएगा तो उसमें क्या होगा, मोमेंटम होगा, मोमेंटम गेट्स कन्वर्टेड इन टू फोर्स, क्योंकि जैसे ही स्ट्राइक करेगा वुड में, वो मोमेंटम किस में कन्वर्ट हो गया, फोर्स में. और ये फोर्स क्या हो जाएगा, फोर्स के चलते ये मूव करेगा फिर से, ये फोर्स से मूव जैसे ही करता है, पेंडुलम ऊपर गया, मतलब ये जो वुड था ऊपर चला गया, तो क्या हो गया उसका क्या, कौन सा एनर्जी आ गया, ग्राउंड से हाइट बढ़ गया, तो कौन सा आ गया, पोटेंशियल एनर्जी आ गया. सपोज मुझे पूछा पोटेंशियल एनर्जी क्या है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको पहले तो बुलेट का मास लेंगे कितना है, वेलोसिटी कितना है, छोटा छोटा पहले बुलेट का वेलोसिटी निकालेंगे. ओके, देन रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम देखेंगे कितना हो रहा है, तो फोर्स निकल जाएगा. ओके, जो कॉलिजन हो रहा है वो क्या है, इन इलास्टिक कॉलिजन्स होगा. ओके, नाउ ये सब चीज़ आप लोग को अभी समझ में नहीं आएगा क्योंकि आप नया है यहाँ पे, बट इन क्लास 9 यू हैव स्टडीड अबाउट कॉलिजन्स, इन इलास्टिक कॉलिजन. ये इलास्टिक कॉलिजन्स ये सब क्या है, हम लोग छोटा छोटा पार्ट में क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को. फॉर एग्जांपल टेम्परेचर, जैसे थर्मोडायनेमिक्स एक पार्ट है फिजिक्स का, वहाँ पे क्या करते हैं हम लोग, अगर हीट के बारे में पढ़ना है, टेम्परेचर के बारे में पढ़ना है, तो क्या करेंगे, हम मॉलिक्यूल्स का वाइब्रेशंस देखेंगे, छोटा छोटा वाइब्रेशन ज़्यादा होगा तो टेम्परेचर ज़्यादा होगा. तो एक छोटा छोटा पार्ट में तोड़ देते हैं एक बड़ा सा प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए. वो वाला पार्ट क्या है, रिडक्शन इन फिजिक्स होता है. ये दो वे है ऑफ स्टडिंग फिजिक्स, वन इज यूनिफिकेशन इन फिजिक्स एंड नेक्स्ट इज योर रिडक्शन इन फिजिक्स. ओके, इसके बाद हम लोग देखते हैं स्कोप ऑफ फिजिक्स. ओके, दीज आर ऑल थिंग्स गिवेन इन योर बुक. ओके, तो जस्ट एन इंट्रोडक्शन है, ये फिजिक्स का कैसा है, पढ़ाई कैसा होता है फिजिक्स में. ओके, नेक्स्ट विल गो स्कोप ऑफ फिजिक्स. नेक्स्ट क्या आता है आपका, स्कोप ऑफ फिजिक्स. फिजिक्स का स्कोप क्या है, फिजिक्स स्टडी करने के लिए हम लोग फिजिक्स को डिवाइड कर देते हैं टू पार्ट्स में. वन इज योर मैक्रोस्कोपिक, या इसको बोलते हैं क्लासिकल फिजिक्स भी बोलते हैं इसको. एंड नंबर टू इज योर माइक्रोस्कोपिक. ओके, इसको हम लोग बोलते हैं मॉडर्न फिजिक्स, और इसको हम लोग बोलते हैं क्वांटम फिजिक्स, मॉडर्न फिजिक्स. तो फिजिक्स का जो स्कोप है, स्टडी ऑफ फिजिक्स कैन बी डन इन टू वेज.
वन इज द मैक्रोस्कोपिक। मैक्रोस्कोपिक का मतलब क्या है? बड़ा चीज। मैक्रो का मतलब होता है बड़ा, माइक्रो का मतलब होता है छोटा। ओके, जो चीज़ हम लोग को आँख से दिखाई देता है वो क्या होता है? नेकेड आई विदाउट एनी हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप। ओके, माइक्रोस्कोप यूज़ नहीं करते वो चीज़ क्या होता है? वो मैक्रोस्कोपिक होता है। मैक्रोस्कोपिक कौन सा पार्ट में आता है फिजिक्स का? वो क्लासिकल फिजिक्स बोलते हैं। क्लासिकल का मतलब क्या होता है? ओल्ड। जो पहले पहले जो स्टडीज़ हुआ था बड़ा बड़ा बॉडीज़ में, न्यूटन जो निकाले थे, ओके, न्यूटन जो निकाल के गए थे, वो सब का जो स्टडीज़ होगा वो किस चीज़ में आएगा? क्लासिकल फिजिक्स में आएगा। और माइक्रोस्कोपिक में छोटा एकदम, जो हम लोग माइक्रोस्कोप से एकदम छोटा छोटा चीज़ के ऊपर जो स्टडी करते हैं, एटम्स न्यूक्लियस उसके ऊपर स्टडी करते हैं, वो किस में आता है? माइक्रोस्कोपिक स्टडी में आता है। ओके, और इसको हम लोग बोलते हैं मॉडर्न फिजिक्स। मॉडर्न फिजिक्स क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये जो ब्रांच है फिजिक्स का, ये अभी 50-70 ईयर्स के पीरियड में ये सब इसको डिस्कवरी किया गया, इसका इन्वेंशन किया गया, इसके स्टडी रिसर्च अभी भी चल रहा है। ओके, ये सब पहले से ही निकल के आया था, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? क्लासिकल फिजिक्स। इस क्लासिकल फिजिक्स या माइक्रोस्कोपिक फिजिक्स के अंदर क्या क्या आता है? इसके अंदर क्या क्या आता है? हम लोग को मेन पार्ट आता है, नंबर वन क्या आता है? मैकेनिक्स। पहला जो आता है वो क्या आता है? मैकेनिक्स आता है। ओके, मैकेनिक्स के बाद आता है थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक्स आफ्टर थर्मोडायनेमिक्स क्या आता है आप लोगों का? ये यहाँ पे आता है आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म एंड द लास्ट वन कम्स इज योर ऑप्टिक्स। ओके, लास्ट वन कम्स योर ऑप्टिक्स। मैकेनिक्स वाला पार्ट क्लास 11 में पढ़ना है। ओके, थर्मोडायनेमिक्स कहाँ पे पढ़ना है? क्लास 11 में पढ़ना है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म कहाँ पढ़ना है? क्लास 12 में पढ़ना है। ऑप्टिक्स कहाँ पढ़ना है? क्लास 12 में पढ़ना है। तो मैकेनिक्स क्या होता है? मैकेनिक्स के अंदर क्या होता है? ये मैकेनिक्स क्या है? ओके, मैकेनिक्स के अंदर इफ़ यू सी, बहुत सारा चीजेस है, सब लिखना पॉसिबल नहीं है। तो देखिए मैकेनिक्स में क्या है, हम लोग का जो मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन, मोशन इन ए प्लेन, जो आपका चैप्टर नंबर 2-3 होगा, यूनिट्स इन मेजरमेंट के बाद जो चैप्टर नंबर 3 आएगा वो आ जाएगा मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन। मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन के बाद आएगा मोशन इन ए प्लेन। मोशन इन ए प्लेन के बाद क्या आ जाएगा? लॉज ऑफ मोशन। उसके बाद नेक्स्ट वाला जो चैप्टर आएगा वर्क एनर्जी एंड पावर। उसके बाद क्या आएगा? ग्रेविटेशन आएगा। उसके बाद आएगा रोटेशनल मोशन एंड मोशन ऑफ रिजिड बॉडीज। उसके बाद आएगा मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ, नेक्स्ट आएगा मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स। उसके बाद आएगा थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। उसके बाद आएगा काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। उसके बाद आएगा थर्मोडायनेमिक्स। उसके बाद आएगा ऑसिलेशंस। उसके बाद आएगा वेव्स। सो ये जो पार्ट्स है, ये जो पार्ट है, इसमें मैकेनिक्स वाला पार्ट कौन सा आता है? मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन आता है। ओके, जस्ट टू गिव एन आइडिया, मोशन किसका मोशन हो सकता है? मोशन किस चीज़ का होता है? प्लैनेट्स, प्लैनेट्स का मोशन हो सकता है। किसका होता है? कार का हो सकता है मोशन, कार का मोशन हो सकता है। रिजिड बॉडीज, रिजिड बॉडीज, इस सब का मोशन, मोशन के बारे में पढ़ेंगे तो किसके अंदर आएगा? वो मैकेनिक्स के अंदर आएगा। ओके, दिस मैकेनिक्स के अंदर आएगा। नेक्स्ट इसमें क्या आ जाएगा? फ्लूइड मैकेनिक्स आएगा। फ्लूइड, फ्लूइड मैकेनिक्स, फ्लूइड मैकेनिक्स में क्या होता है? फ्लूइड में, फ्लूइड के अंदर क्या क्या पढ़ना है वो भी क्या हो जाएगा? फ्लूइड मैकेनिक्स होगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल विस्कोसिटी, ये सब सब नया नया टर्म्स है, आप लोग डरिए मत, ये सब पढ़ना है लेटर ऑन। ये आप लोग को सिर्फ समझाने के लिए पहला वाला चैप्टर दिया गया है, तो जस्ट यू जस्ट गेट ए बेसिक आइडिया। ओके, यू विल गेट न्यू टर्म्स, डोंट बी अफ्रेड ऑफ ऑल दिस थिंग। दिस विस्कोसिटी, ओके, नेक्स्ट यू हैव ऑलरेडी हर्ड दिस सरफेस टेंशन, सरफेस टेंशन, नेक्स्ट बर्नौलीज प्रिंसिपल, बर्नौलीज प्रिंसिपल, ये सब क्या आ जाएगा? मैकेनिक्स के अंदर आता है, वो तो मोशन वाला आ जाएगा। नेक्स्ट क्या आ जाएगा? प्लैनेट्स वाला। नेक्स्ट आ जाएगा यहाँ पे ग्रेविटेशन वाला आ जाएगा, ग्रेविटेशन। नेक्स्ट आ जाएगा इसमें ऑसिलेशंस, ऑसिलेशन। नेक्स्ट क्या आ जाएगा इसमें? वेव्स आएगा। ओके, तो ये सब चीज़ किस चीज़ में पढ़ना है? मैकेनिक्स में। मैं सब समरी करके लिखा हूँ। ओके, जो मैंने चैप्टर्स बोला था उसी में ये सब जब इसके बारे में स्टडी करेंगे, प्लैनेट्स के बारे में, फिर जब आर्थ रोटेट करेगा, रोटेशनल मोशन,
रोटेशनल मोशन, रोटेशनल मोशन मतलब कोई भी चीज़ जो घूम रहा है, जैसे फैन घूम रहा है, उसके ऊपर शरीर किस में आएगा, मैकेनिक्स के अंदर आएगा, गाड़ी का चक्का पहिया घूम रहा है तो क्या आ जाएगा, वो मैकेनिक्स में अंदर आ जाएगा। सो दिस ऑल कम्स अंदर योर मैकेनिक्स। ओके, नेक्स्ट आता है क्या है, नेक्स्ट जो आता है क्लास 11 में पढ़ना हम लोग को क्या पढ़ना है, थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक्स किस चीज के ऊपर डिपेंड करता है, ये डील्स विद हीट। हीट क्या है, नेक्स्ट हीट टू कैसे हम लोग हीट को वर्क में कन्वर्ट कर सकते हैं, हीट को कैसे वर्क में कन्वर्ट कर सकते हैं, वर्क को कैसे हीट में कन्वर्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है टेम्परेचर। इसके बाद क्या आता है, इसमें हम लोग को पढ़ना है इंटरनल एनर्जी के बाद पढ़ना है एंथैल्पी। ओके, ये बड़ा बड़ा टॉपिक है, सिर्फ नाम लिखा है यहाँ पे। एंथैल्पी के बाद क्या आता है, टाइप्स ऑफ इंजिन्स, दैट इज कार्नोट इंजिन। नेक्स्ट एसी, रेफ्रिजरेटर, ओके, यू मे नॉट सी दिस रोटेशनल मोशन, मैं यहाँ लिख देता हूँ, दिस इज रोटेशनल मोशन, और इसमें साइड में मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, दिस मे नॉट बी विजिबल, कार्नोट इंजिन। इसके बाद क्या आ जाएगा, इसमें एसी आ जाएगा। एसी जो होता है, एयर कंडीशनर जो हम लोग घर में लगाते हैं, गाड़ी में रहते हैं, वो किस चीज में आता है, वो थर्मोडायनेमिक्स में आता है। रेफ्रिजरेटर, ये सब स्टडीज किस में आता है, थर्मोडायनेमिक्स में आता है। ये क्लास 11 में हम लोगों को पढ़ना है, वो क्लासिकल मैकेनिक्स है, सॉरी ये क्लासिकल फिजिक्स है। क्लासिकल फिजिक्स मीन्स दिस वर दिस वेयर दिस स्टडीज वेयर देन अर्लियर, बहुत पहले इसके बारे में स्टडीज किया गया था। ओके, ये नया वाला फिजिक्स अभी जो लेटेस्ट चल रहा है वो वाला नहीं है, ऑलरेडी ये निकाल के चला गया, ये सब स्टडीज हो गया कंप्लीट। नेक्स्ट आता है क्लास 12 में पढ़ना क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में क्या क्या पढ़ना है हम लोगों को, चार्जेस के बारे में पढ़ना है, व्हाट इज चार्ज। ओके, चार्जेस क्या होता है, ओके व्हाट इज चार्जेस। नेक्स्ट हम लोग को पढ़ना है मैग्नेट्स के बारे में। नेक्स्ट हम लोग को पढ़ना है कूलम्स लॉ, गॉस लॉ। उसके बाद पढ़ना है हम लोग को फील्ड पढ़ना है, ये फील्ड क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड। नेक्स्ट क्या आता है इसमें, एसी करंट, अल्टरनेटिंग। ओके, यहाँ पे भी एसी लिखा है, ये एयर कंडीशनर है, यहाँ पे जो एसी है वो क्या है, अल्टरनेटिंग करंट है, डीसी करंट है, डीसी मोटर, डीसी जनरेटर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। नेक्स्ट आता है आपका ईएम वेव्स, दैट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, तो इन सभी चीज़ का स्टडीज किस में आता है आपको, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में आता है। ओके, तो फिजिक्स को हम लोगों ने मेनली ब्रॉडली डिवाइड किया गया है मैक्रोस्कोपिक व्यू या मैक्रोस्कोपिक फिजिक्स को हम लोग क्या बोलते हैं, क्लासिकल फिजिक्स। दिस क्लासिकल फिजिक्स इज डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स, वन इज मैकेनिक्स, वन इज थर्मोडायनेमिक्स, वन इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म एंड वन इज योर ऑप्टिक्स। तो इसके अंदर क्या क्या आता है मैंने आप लोगों को लिख दिया, द लास्ट वन इज योर ऑप्टिक्स। आप लोगों ने क्लास 10 में अभी पढ़ के आए हैं, ऑप्टिक्स में क्या पढ़ते हैं हम लोग, क्या पढ़ते हैं, लाइट पढ़ते हैं। व्हाट इज लाइट, अभी क्लास 10 में पढ़े हैं ना, लाइट के बारे में पढ़े, तो फिर क्या पढ़े हैं, मिरर के बारे में। मिरर, लाइट क्या होता है, अभी जो है तो मिरर तो हो गया, स्पेरिकल मिरर, प्लेन मिरर, फिर टाइप्स ऑफ इमेजेस, रियल इमेज, वर्चुअल इमेज। ओके, ये सब चीज आप लोग को पता है। नेक्स्ट उसके छोड़ के क्या पढ़ना है, लाइट इज ए पार्टिकल है, लाइट पार्टिकल है, लाइट वेव भी है, राइट। दिस इज इंटरेस्टिंग, दिस विल बी वेरी इंटरेस्टिंग फॉर यू टू नो दैट लाइट इज पार्टिकल एंड लाइट इज ऑल्सो बिहेव्स एज वेव, लाइट बिहेव्स बोथ एज पार्टिकल एंड वेव, विल स्टडी हियर इन ऑप्टिक्स। उसके बाद हम लोग को क्या पढ़ना है, पोलराइजेशन, इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन पढ़ना है। इसके बाद हम लोग को क्या क्या पढ़ना है, बहुत सारा चीज़ें यहाँ पे पढ़ना है। नेक्स्ट हम लोग को पढ़ना है यहाँ पे जो हम लोग का माइक्रोस्कोप होता है, माइक्रोस्कोप। नेक्स्ट टेलीस्कोप, इसका रिजॉल्विंग पावर, ये सब चीज़ हम लोग को पढ़ना है ऑप्टिक्स के अंदर, जस्ट एक समरी है। तो ये सब क्या होता है, ये क्लासिकल फिजिक्स के अंदर आता है। ओके,
नेक्स्ट कम्स टू योर माइक्रोस्कोपिक व्यू और मॉडर्न फिजिक्स. मॉडर्न फिजिक्स किसके ऊपर डील करता है? दिस मॉडर्न फिजिक्स डील्स करता है आप लोगों का एटम्स. एटम्स क्या है? एटम्स के बाद एटम्स के अंदर क्या होता है? न्यूक्लियस होता है. न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है? प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स. प्रोटॉन्स क्या है? इलेक्ट्रॉन्स क्या है? नेक्स्ट क्या है आप लोगों का? प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स, न्यूट्रॉन्स. ओके, ये जो क्वांटम फिजिक्स है, देयर इज ए चैप्टर इन योर केमिस्ट्री, वहाँ पे भी आप लोगों को पढ़ना है. दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग. यू हैव टू स्टडी लिटिल बिट ऑफ क्वांटम फिजिक्स इन केमिस्ट्री. ओके, एटॉमिक स्ट्रक्चर ऑफ योर एटॉमिक स्ट्रक्चर नाम एक चैप्टर है केमिस्ट्री में. देयर ऑल्सो यू हैव टू स्टडी क्वांटम फिजिक्स. नेक्स्ट व्हाट वील स्टडी हियर इज एक्सरेज. एक्सरेज कैसे बिहेव करता है? रेडियो एक्टिविटी. रेडियो एक्टिविटी मतलब अल्फा रे, गामा रे, बीटा रे, ये सब कैसे निकलता है? रेडियो एक्टिविटी नेचर में कैसा होता है? इसके बाद आता है सेमीकंडक्टर. स्टडी ऑफ सेमीकंडक्टर्स. सेमीकंडक्टर्स में क्या क्या आता है? डायोड्स. डायोड्स नेक्स्ट क्या आता है इसमें? ट्रांजिस्टर. ट्रांजिस्टर मतलब जो एम्पलीफायर्स होता है, वो सब के बारे में जो पढ़ना है वो किस में पढ़ना है हम लोग को? मॉडर्न फिजिक्स के अंदर आता है. ओके, दिस कम्स अंडर योर मॉडर्न फिजिक्स. सो वी हैव डिवाइडेड दिस माइक्रोस्कोपिक, दैट इज क्लासिकल फिजिक्स, माइक्रोस्कोपिक. मोस्ट ऑफ द थिंग्स यू मे नॉट हैव अंडरस्टूड हियर. ओके, डू नॉट वरी, ये पूरा सिलेबस है. 11 और 12 का पूरा सिलेबस है. इसमें इसके अंदर क्या पढ़ना है वो ही आप लोग को इंट्रोडक्शन ये चैप्टर का फिजिकल वर्ल्ड. ओके, तो इसमें डरना नहीं है. हम लोगों को 11 में ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट पढ़ना है. ये वाला पार्ट आप लोगों का कहाँ पढ़ना है? ये 12 में पढ़ना है. दिस एंड दिस पार्ट यू हैव टू स्टडी इन क्लास 12. सो दिस इज जस्ट एन इंट्रोडक्शन. ओके, इसलिए यहाँ से कोई क्वेश्चन आए नहीं आता है फिजिकल वर्ल्ड. व्हेन वी विल स्टडी यू विल कम टू नो दिस. नेक्स्ट आता है, इसके बाद स्कोप ऑफ फिजिक्स के बाद आ गया आप लोगों को टाइप्स ऑफ फोर्सेस. नेचर में कितना टाइप्स ऑफ फोर्सेस होता है? ओके, और फोर्सेस से पहले हम लोग देखते हैं फिजिक्स एंड टेक्नोलॉजी के बारे में. एक रिलेशन पढ़ना है हम लोगों को फिजिक्स और टेक्नोलॉजी. व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन फिजिक्स एंड टेक्नोलॉजी? नेक्स्ट क्या है, इफ यू गो थ्रू द बुक व्हाट इज गिवन? फिजिक्स एंड टेक्नोलॉजी. फिजिक्स और टेक्नोलॉजी के बीच में रिलेशन क्या है ये पढ़ना है. उसके बाद वो तो इंट्रोडक्शन पता चल गया. नेक्स्ट, यू सी, यू हैव स्टडीड इन सोशल स्टडीज इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन. इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन कहाँ हुआ था? ये यूरोपियन कंट्रीज में हुआ था, इंग्लैंड में मेनली. यूरोपियन रिवोल्यूशन जो आया था, इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन, दैट कि ह्यूमन बींग्स वे रिप्लेस बाय मशीन्स. क्यों? कौन सा मशीन डिस्कवर हुआ था उस समय? उस समय सबसे जो सक्सेसफुली मशीन जो डिस्कवर हुआ था, सबसे इंपॉर्टेंट, स्टीम इंजिन. स्टीम इंजिन कहाँ होता है? इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन में आप लोग देखिएगा तो क्या मिला था? स्टीम इंजिन. स्टीम इंजिन से क्या चलता था? आपका ट्रेन चलता था. ये जो स्टीम इंजिन था, इस स्टीम इंजिन के ऊपर जो स्टडी आ गया, इसके ऊपर हम लोगों ने जो स्टडी किया, तो वो वाला ब्रांच क्या बन गया? थर्मोडायनेमिक्स. थर्मोडायनेमिक्स में क्या गया? इसका ये जो मशीन है, इस मशीन के ऊपर जो स्टडी किया गया, तो इसका एफिशिएंसी के ऊपर स्टडी किया गया. एफिशिएंसी मतलब कितना उसका हम लोग आउटपुट बढ़ा सकते हैं, कम इनपुट में कैसे ही आउटपुट बढ़ा सकते हैं, वो एफिशिएंसी के ऊपर स्टडी किया गया. फिर इसमें हीट जनरेट कितना होगा और उस हीट से हम लोग कितना हीट को किस में कन्वर्ट कर सकते हैं? हीट टू वर्क. तो एक नया ब्रांच, दिस इज ए न्यू ब्रांच ऑफ फिजिक्स डेवलप हो गया. कैसे? बिकॉज ऑफ स्टीम इंजन. एक स्टीम इंजन डिस्कवर हो गया, उसी के ऊपर जब स्टडी चला गया, तो एक नया ब्रांच ऑफ फिजिक्स डेवलप हो गया, जिसको क्या बोला गया? थर्मोडायनेमिक्स. ये थर्मोडायनेमिक्स अभी कोई भी मशीन के ऊपर रिलेट करके देखते हैं. जैसे गाड़ी चल रहा है, गाड़ी का एफिशिएंसी कितना है, पेट्रोल कितना कंज्यूम करेगा, हीट जनरेट कितना होगा, सब कुछ किसी में आता है. एक नया ब्रांच ऑफ स्टडीज में आ गया, दैट कम्स अंडर योर थर्मोडायनेमिक्स. मतलब जैसे ही ये टेक्नोलॉजी आया, बिकॉज स्टीम इंजन इज नथिंग बट द टेक्नोलॉजी है, ये टेक्नोलॉजी आने के बाद क्या हो गया? वो क्या हो गया? एक नया ब्रांच ऑफ फिजिक्स बन गया. इसका उल्टा भी होता है.
ओके इसका उल्टा क्या है, सपोज हम लोग ने किसी चीज के ऊपर स्टडी किया फिर क्या हो गया, ओके तो क्या हो गया, एक नया ब्रांच ऑफ क्या हो गया, फिजिक्स निकल गया, थर्मोडायनेमिक्स, बिकॉज ऑफ व्हाट, बिकॉज ऑफ योर टेक्नोलॉजी स्टीम इंजन। इसका उल्टा भी होता है, ऐसा नहीं है कि इसके चलते ये निकला है, तो फिजिक्स के स्टडी के चलते नया टेक्नोलॉजी भी निकलता है। फॉर एग्जाम्पल हम लोगों ने एक नया स्टडी किया, तो किसके ऊपर स्टडी किया हम लोगों ने, हम लोगों ने स्टडी किया सेमीकंडक्टर्स के बारे में स्टडी करना शुरू कर दिया। एक नया ब्रांच ऑफ फिजिक्स था जिसमें मॉडर्न फिजिक्स में सेमीकंडक्टर्स, जब हम लोगों ने सेमीकंडक्टर्स के ऊपर स्टडी किया तो हम लोगों ने एक चीज बनाया जिसको हम लोग बोलते हैं सिलिकॉन चिप, सिलिकॉन चिप्स। इस सिलिकॉन चिप्स जैसे ही ये बनाया हम लोगों ने, तो इसको हम लोगों ने क्या क्या कहाँ यूज़ कर सकते हैं उसको देखा, कहाँ यूज़ कर सकते हैं ये सिलिकॉन चिप्स, फिर हम लोगों ने क्या क्या बनाया इससे। पहले तो क्या हुआ, सेमीकंडक्टर्स के ऊपर स्टडी किए, सेमीकंडक्टर एक नया ब्रांच ऑफ फिजिक्स होगा, किसमें आ गया, क्वांटम फिजिक्स के अंदर आ गया। जैसे ये क्वांटम फिजिक्स के ऊपर स्टडी हुआ, सिलिकॉन चिप्स हम लोगों ने बना लिया। सिलिकॉन चिप्स कहाँ होता है, जैसे आप हम लोग को आज क्या कर रहे हैं, अभी सभी जगह यूज़ होता है, क्या होता है आजकल यूज़, दैट इज़ योर लैपटॉप्स, लैपटॉप्स दैट इज़ कंप्यूटर। पहले तो कंप्यूटर आया था, उसके बाद लैपटॉप आया, फिर सेल फोन्स, मोबाइल फोन्स, स्मार्टफोन्स विल बी बेटर, स्मार्ट पीपल के लिए स्मार्टफोन्स। सो स्मार्टफोन्स ये सब में क्या होता है, ये सिलिकॉन चिप्स यूज होता है। विदाउट सिलिकॉन चिप्स ना आप स्मार्टफोन बन सकता है, ना लैपटॉप बन सकता है, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस नहीं बन सकता है, ओके फिर इसके बाद क्या आ गया, फिर कंट्रोल सिस्टम आ गया, उसमें ECU आ गया। गाड़ी में बहुत सारे ऐसे आजकल क्या होता है, सोफिस्टिकेटेड मटेरियल होता है, गाड़ी ख़राब हो गया तो क्या होता है, उसमें एक क्या होता है, उसका एक सॉफ्टवेयर होता है जो सब कुछ कंट्रोल करके रखता है, ECU बोलते हैं उसको। फिर एक हम लोग सॉफ्टवेयर डाल देते हैं, फिर गाड़ी में देखते हैं वो रीडिंग, वो क्या होता है, वो जैसे गाड़ी के अंदर डाल दिया, जो मेरा मशीन रहेगा मेरे पास, वो मशीन क्या करेगा, रीडिंग्स देगा कहाँ ख़राब हो रहा है, गाड़ी में ख़राबी कहाँ है। यू डोंट नीड टू गो मैनुअली एंड चेक इट, जो जो लग्जरियस कार होता है या जिसका कॉस्ट ज़्यादा होता है, उस गाड़ी का में कहीं पे भी प्रॉब्लम हो, वो उसमें एक सॉफ्टवेयर रहेगा, वो सॉफ्टवेयर जो करेगा वो किस चीज़ से बना होगा, वो सब सिलिकॉन चिप से बना होगा। वो किसे हुआ, बिकॉज ऑफ स्टडीज ऑफ योर सेमीकंडक्टर्स। सो ये सब इंटर रिलेटेड है टेक्नोलॉजी। ओके नेक्स्ट कैसे कैसे टेक्नोलॉजी आ गया, फिर उसके बाद आ गया न्यूक्लियर पावर। न्यूक्लियर पावर के चलते हम लोगों ने क्या बनाया, न्यूक्लियर एनर्जी को यूज़ करके हम लोग इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकते हैं, साथ में न्यूक्लियर बॉम्ब्स भी बनाया, जो इज़ वेरी बैड फॉर आवर ह्यूमन सोसाइटी, ह्यूमन सिविलाइजेशन टू प्रोड्यूस न्यूक्लियर बॉम्ब्स। बट वही न्यूक्लियर एनर्जी यूज़ करके क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी यूज़ कर सकते हैं, कितना सालों साल तक यूज़ कर सकते हैं, कभी ख़त्म नहीं होने वाला, इतना ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी है। ओके सो दिस कम्स अंडर योर फिजिक्स एंड टेक्नोलॉजी। जो लास्ट पार्ट इस चैप्टर का, इस चैप्टर का जो लास्ट पार्ट है, इट डील्स विद द टाइप्स ऑफ फोर्सेस। तो नेचर में कितना टाइप्स ऑफ फोर्सेस है, फिजिक्स में हम लोग देखते हैं टाइप्स ऑफ फोर्सेस। ओके दिस टाइप ऑफ फोर्स में फोर टाइप्स ऑफ फोर्सेस है। देर आर मेनली फोर टाइप्स ऑफ फोर्सेज नेचर में, फोर टाइप्स ऑफ भी फोर्सेज होता है। नंबर वन इज योर ग्रेविटेशनल फोर्स होता है। ओके नेक्स्ट नंबर टू, जो नंबर टू होता है दैट इज योर इलेक्ट्रोस्टैटिक या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। नेक्स्ट नंबर थ्री, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। ओके एंड नंबर फोर, वीक न्यूक्लियर फोर्स। ये वीक न्यूक्लियर फोर्स है। तो मेनली व्हाट यू सी, नेचर में जितना भी सारा फोर्सेस जो हम लोग देखते हैं, फोर्स जहाँ पे भी है, मेनली दीज आर ग्रेविटेशनल फोर्स, इट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स एंड वीक न्यूक्लियर फोर्स। नाउ ये ग्रेविटेशनल फोर्स किसके बीच में लगता है, बिटवीन बॉडीज मे बी लार्जर और स्मॉलर। लॉन्ग रेंज फोर्स होता है, ये क्या होता है, लॉन्ग रेंज
रेंज फोर्स मतलब क्या है, कोई भी दुनिया में कोई भी, जैसे फॉर एग्जांपल अर्थ है, मून है, अर्थ क्या कर रहा है, मून को अपनी तरफ खींच रहा है, मून क्या कर रहा है, अर्थ को अपनी तरफ खींच रहा है, ठीक है। ये डिस्टेंस क्या है इन दोनों के बीच में, बहुत ह्यूज डिस्टेंस है। तो ये जो फोर्स है, इसलिए क्या बोला, इसको लॉन्ग रेंज फोर्स बोलते हैं। बिटवीन बॉडीज मे बी लार्जर और स्मॉलर, स्मॉलर बॉडीज मतलब सपोज मैं, मेरे और आर्ट के बीच में भी क्या हो रहा है, एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, बिकॉज ऑफ दैट ओनली आई एम बीइंग अट्रैक्टेड टुवर्ड्स आर्ट, ओके। सो ये पेन और मेरे बीच में भी क्या है, एक फोर्स है, ग्रेविटेशनल फोर्स, बट इन दैट केस दिस फोर्स इज वेरी स्मॉल, सो दैट इज़ वाई आई एम नॉट गोइंग टुवर्ड्स दिस मार्कर, और दैट मार्कर इज नॉट कमिंग टुवर्ड्स मी, बिकॉज दैट फोर्स बिकम्स वेरी वीक। इन केस ऑफ लार्ज लार्ज बॉडीज दिस फोर्स इज वेरी लार्ज, ओके। सो वी कंसिडर दिस ग्रेविटेशनल फोर्स इज द वीकेस्ट, वीकेस्ट फोर्स। ये जितना भी सारा फोर्स लिखा है ना, ये फोर्स, ये फोर्स, ये और ये, इन सभी सारों फोर्सेस में से सबसे वीकेस्ट जो फोर्स है वो क्या होता है, आपका ग्रेविटेशनल फोर्स होता है। नेक्स्ट आता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स में क्या होता है, जो चार्जेस के बीच में फोर्स होता है, सपोज एक पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पे भी पॉजिटिव, क्या करेगा वो, रिपेल करेगा। नेक्स्ट एक नेगेटिव है, एक पॉजिटिव है, क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, अट्रैक्ट करेगा। इस टाइप ऑफ फोर्सेस को हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स होता है ये, ओके, दिस कम्स अंडर योर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। और ये जो फोर्स होता है, इट इज स्ट्रॉन्गर कंपेयर टू दैट ऑफ, दिस इज ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स से क्या होता है, ये स्ट्रॉन्गर होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, ओके। दिस टू आर बोथ आर कंटेक्टलेस फोर्सेस, ओके। ये मेनली कंटेक्ट भी हो सकता है, नॉन कंटेक्ट भी हो सकता है, कंटेक्ट एंड नॉन कंटेक्ट फोर्सेज होता है, ओके। नेक्स्ट कम्स आर, नेक्स्ट इज योर स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। नाउ यू सी, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स मतलब न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, आप लोगों ने पढ़ा होगा क्लास 10 में, तो आप लोगों ने पढ़ा है या 9 में भी पढ़ा है, न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स होता है, ओके। सपोज मैं एग्जांपल लेता हूँ ऑक्सीजन गैस, ऑक्सीजन गैस में उसका एटॉमिक नंबर कितना है, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, 8, मतलब 8 प्रोटॉन्स है, 8 न्यूट्रॉन्स है। नाउ यू टेल मी, इन द न्यूक्लियस, ये छोटा सा जगह है, इसमें क्या है, 8 प्रोटॉन्स है। हम लोग को पता क्या है कि पॉजिटिव पॉजिटिव क्या करेगा, रिपेल करेगा, रिपेल करता है ना, क्योंकि ऑक्सीजन में क्या है, 8 प्रोटॉन्स है न्यूक्लियस के अंदर, लेकिन 8 प्रोटॉन्स क्या करता है, एक दूसरे को रिपेल करता है, लेकिन न्यूक्लियस में तो है, वो छोटा सा जगह है, उसी में क्या होता है, बहुत सारा पॉजिटिव चार्ज रहता है। ये क्यों फट क्यों नहीं जाता है, रिपेल करके वो बाहर क्यों नहीं आता है? क्यों, क्योंकि इसको पकड़ के रखा है कौन, एक फोर्स, जिसको बोलते हैं हम लोग न्यूक्लियर फोर्स, और दिस इज द स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स इन द होल यूनिवर्स, जो हम लोग जानते हैं सबसे जितना स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स है वो क्या है, ये न्यूक्लियर फोर्स होता है। दिस इज द स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स, स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स, और ये क्या है, ये फोर्स जो है वो क्या है, शॉर्ट रेंज, शॉर्ट रेंज मतलब बहुत ही स्मॉल जगह में ये फोर्स लगता है। दैट इज न्यूक्लियस का क्या होता है, 10^-15 मीटर जो रेडियस होता है न्यूक्लियस का, अप्रॉक्सीमेटली रदरफोर्ड ने क्या बोला था, ये 10^-14 या -15 होता है उसका रेडियस, उसी के अंदर ये फोर्स लगता है। उससे ज़्यादा हो जाएगा तो ये फोर्स नहीं लगेगा, क्योंकि न्यूक्लियस में क्या है, छोटा है बहुत जगह, ओके। एटम का साइज क्या होता है, एटम का रेडियस क्या होता है, 10^-10 मीटर। सिमिलरली न्यूक्लियस उससे भी छोटा है तो क्या होता है उसका, 10^-15 मीटर। तो उसके अंदर जो फोर्स लगेगा वो फोर्स क्या हो जाएगा, वो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स होगा। ये सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट है ये वाला फोर्स। नेक्स्ट आता है आपका वीक न्यूक्लियर फोर्स। वीक न्यूक्लियर फोर्स क्या होता है, एक चीज होता है रेडियो एक्टिविटी, एक्टिविटी रेडियो एक्टिविटी मतलब नेचर में हम लोग को कोई कोई ऐसा एलिमेंट्स मिलता है, एलिमेंट्स जो खुद से क्या करता है, कुछ कुछ रेडिएशंस निकालता रहता है, जैसे यूरेनियम अपने बॉडी से क्या निकालता है, वो अल्फा रेज निकालता रहता है, गामा रेज निकालता रहता है, डेट कम्स अंडर योर रेडियो एक्टिविटी, ओके। और न्यूक्लियस के अंदर से बहुत सारा चीज़ निकलता है, ऐसा नहीं है कि खाली उससे क्या निकलेगा, पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज, उससे हम लोग को इलेक्ट्रॉन्स भी निकलता है, पॉजिट्रॉन निकलता है, एंटी न्यूट्रेनो निकलता है, न्यूट्रेनो निकलता है, ये सब सब नया नया टर्म्स है, ओके। व्हेन वील स्टडी इन क्लास 12 विल कम टू नो, ओके। तो ये जो निकलता रहता है, ये क्यों निकलता है, बिकॉज ऑफ वीक न्यूक्लियर
फोर्स, ओके रिमेंबर, सबसे स्ट्रांगेस्ट फोर्स कौन सा है, नंबर वन अगर मैं बोलूंगा तो ये सबसे नंबर वन स्ट्रांगेस्ट फोर्स है। नंबर टू में कौन सा आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका नंबर टू में, दिस इज द सेकेंड स्ट्रांगेस्ट फोर्स। उसके बाद क्या आ जाएगा, ये थर्ड में आ जाएगा वीक न्यूक्लियर फोर्स, और जो लास्ट वाला जो होगा सबसे वीकेस्ट वाला होगा वो ग्रेविटेशनल फोर्स आ जाएगा। ओके समझ में आ गया बच्चों, तो यही था आपका फिजिकल वर्ल्ड जैसे इंट्रोडक्शन टू फिजिक्स। पूरा ये जो हम लोग दिखाए आज आपको सिलेबस जो दिखाया है, सिलेबस नहीं, इस चैप्टर में जो जो बोला गया है, दिस इंक्लूड्स एवरीथिंग, पूरा क्लास 11 और 12 में जो फिजिक्स है वो पूरा पीएचडी लेवल तक जो भी पढ़ता है वही फिजिक्स है, उससे एक्स्ट्रा नहीं है। यहाँ पे सब कुछ डाल दिया गया है, सब बेसिक थिंग्स डाल दिया गया है, बेसिक थिंग्स के ऊपर स्टडी होता है। जैसे ही हम लोग हायर स्टडीज़ में जाते हैं इसी चीज़ को डिटेल्स में पढ़ाया जाता है। जैसे थर्मोडायनेमिक्स है, थर्मोडायनेमिक्स के अंदर अलग अलग ब्रांचेस है, अप्लाइड थर्मोडायनेमिक्स है, ओके ये सब चीज़ को और ज़्यादा पढ़ाई किया जाता है। तो एवरी थिंग इज़ गिवेन इन क्लास 11 एंड 12, यू हैव टू स्टडी वेल। ओके ये कम्प्लीट एनालिसिस है किसका, चैप्टर नंबर वन दैट इज़ फिजिकल वर्ल्ड। Don't worry, no questions is going to come from this chapter. Okay, thank you.